Good evening, everyone. How are you? And how's your life going on? So, मैंने आपसे पूछा आपकी लाइफ कैसी चल रही है? कैसे पूछा? How's your life going on? तो आपने क्या बोलना है? It's going on smoothly. क्या बोलेंगे? It's going on smoothly. Right? तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पास्ट की बात की थी, आज हम बात करेंगे फ्यूचर की, यानी कि आने वाले समय की. और आने वाले समय को हम बोलते हैं फ्यूचर. और फ्यूचर की बात अगर हमने किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करनी हो, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करनी हो, तो हम विल और शैल दोनों का इस्तेमाल करते हैं. वो लिखने के लिए होता है. आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं और बाकी सब के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं. बट एज फार एज स्पोकन पार्ट इज कंसर्न, जहां तक स्पोकन इंग्लिश की ताल्लुक है, वहां पर हम सिर्फ एक ही खास वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. वो खास वर्ड है विल. यानी कि फ्यूचर की बात अगर आपने करनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ विल का इस्तेमाल करना है स्पोकन इंग्लिश में. जैसे आपने कुछ भी बोलना है कि आज आप डिनर करेंगे, तो आप अपने लिए आई यूज करेंगे, तो आई विल टेक डिनर, यानी कि आई विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इसी तरह से अगर आपने मुझे बोलना है कि सर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, तो मैं आपके लिए कौन हो गया? यू. तो आप मेरे लिए बोलेंगे यू विल फॉलो ट्रैफिक रूल्स. इसी तरह से रवि अगर कार चलाएगा तो आप कैसे बोलेंगे? रवि विल ड्राइव कार. यानी कि जो काम करेगा वो पर्सन पहले आएगा, उसके बाद विल आएगा, उसके बाद जो वो काम करेगा वो आ जाएगा. इसी तरह से अगर हमने मना करना है तो हम क्या करेंगे? फ्यूचर के खास शब्द के साथ, यानी कि विल के साथ, हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे. जैसे मुझे बोलना है कि मैं दूसरों को गालियां नहीं दूंगा, तो दूसरों को गालियां देने को बोलते हैं अब्यूज अदर्स. तो मैं क्या बोलूंगा? आई विल अब्यूज अदर्स. राइट. इसी तरह से अगर मैंने आपके लिए बोलना है कि आप चुगली नहीं करेंगे, तो चुगली करने के लिए हम बोलते हैं बैक बाइट. तो मैं आपको बोलूंगा यू विल नॉट बैक बाइट. इसी तरह से अगर मैं बोलूंगा कि मीना अंधाधुंध गाड़ी नहीं चलाएगी, तो क्या फार्मूला हो जाएगा? मीना विल नॉट एक्शन. मीना विल नॉट एक्शन. अब एक्शन क्या है? अंधाधुंध गाड़ी चलाना, उसे हम बोलते हैं ड्राइव रैशली. सो मीना विल नॉट ड्राइव रैशली. इसी तरह से अगर मैं बोलूंगा कि सीमा पोछा नहीं लगाएगी, तो सीमा विल नॉट एक्शन फार्मूला आ जाएगा. सो सीमा विल नॉट, और हम बोलते हैं मॉप द फ्लोर. तो क्या आ जाएगा? सीमा विल नॉट मॉप द फ्लोर. और अगर हमने क्वेश्चंस पुट करने हैं तो उस खास शब्द को पहले ले आएंगे. जैसे पास्ट की सारी बातें हमने डिड से पूछी थी, फ्यूचर की सारी बातें हम विल से पूछेंगे. जैसे अगर आपने मुझसे, यानी कि सामने वाले से कोई क्वेश्चन पुट करना है, तो आप फार्मूला यूज करेंगे विल यू, जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. राइट. जैसे आपने मुझसे पूछना है कि क्या कल आप लेक्चर देंगे, तो आप कैसे पूछेंगे? विल यू डिलीवर द लेक्चर टुमारो. आपने मुझसे पूछना है कि क्या आप सिगरेट पिएंगे, तो विल यू स्मोक. क्या रवि जो है शराब पिएगा, तो विल रवि टेक लीकर. यानी कि फ्यूचर की आपने कोई भी बात पूछनी है तो आपने विल से पूछनी है. और अगर कोई इंसान काम करेगा तो आई विल एक्शन बोलेगा कि मैं ये काम करूंगा, और अगर वो इंसान ये काम नहीं करेगा तो वो बोलेगा आई विल नॉट एक्शन.